अगर आपने इसको एक बार कर लिया तो आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फेशियल एक ऐसा फेशियल है जो अगर आपने इसको घर पर अपने हाथों से किया तो आप इसको बार बार करेंगे और इसका आप लाइव रिजल्ट खुद देख सकेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हेमा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ग्लामवेदा का गोल्ड फेशियल किट का रिव्यू प्लस डेमो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है ग्लामवेदा गोल्ड फेशियल किट। इसको मैंने छोटू से पैक में ख़रीदा था। आप कोई भी शॉप पे ऑनलाइन से आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके अंदर आपको 6 स्टेप्स मिलेंगे फेशियल के। और आपको एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये ऑल स्किन टाइप के लोग भी फेशियल कर सकते हैं। जिसकी ऑयली स्किन है, जिसकी डैमेज स्किन है, जिसकी डल स्किन है, वो भी ये फेशियल कर सकता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरली है। और यहाँ पर इस पैक के ऊपर लिखा है ये ऑल स्किन टाइप है। पीछे के साइड में देखिए, यहाँ पर लिखा है नॉर्मल, ऑयली, ड्राई स्किन, मतलब इसमें सारा कुछ लिखा गया है। आप इसको देख के पढ़ के उसके बाद ही कोई भी फेशियल करते हो अपनी स्किन के ऊपर, तो उसके बाद ही आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करें। क्योंकि जब कभी हम कोई चीज़ देखते नहीं है और जब कभी हम कुछ भी चीज़ ऐसे ही लगा लेते हैं तो हमारे फेस पे दाने भी निकल सकते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हो तो उसको 1 से 2 बार पढ़ लें और उसके बाद ही अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको मैंने कहाँ से बाई किया था। तो इसको मैंने शॉपसीपर से बाई किया था। ये मुझे मिला था 175 अराउंड मुझे मिला था। और बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी हमें इसमें 40 ग्राम दी गई है। अगर आप भी इसको बाई करना चाहते हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके इसको बाई कर सकते हो। तो चलिए अब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैं फेशियल करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा वर्क करता है हमारे चेहरे पर। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्किन है तो भी आप ये फेशियल कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो आज यही फेशियल किट का डेमो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करनी है अपने चेहरे की मसाज। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। लेकिन कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले अपने फेस को कर लेना है वॉश। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को पहले से ही फेस वॉश से वॉश किया है और उसके बाद ही मैं अपने फेस पर फेशियल करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से अपने फेस की करनी है मसाज। तो चलिए पहले मसाज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको हमें साफ कर लेना है। आप चाहे तो गीले टॉवल से भी अपने फेस को साफ कर सकते हैं। अब आती है सेकंड स्टेप की बारी। तो सेकंड स्टेप में हमें लेना है स्क्रब। इसका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा दानेदार है और ये वर्क भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा दानेदार स्क्रब है। तो स्क्रब को हमें अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद इसकी हमें 2 मिनट तक मसाज करनी है। और ध्यान रहे कि जब अगर आप अपने फेस पे स्क्रब करते हो तो ज़्यादा रगड़ के स्क्रब हमें नहीं करना है। बिल्कुल हमें हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे स्क्रब करना है। ज़्यादा स्क्रब रगड़ने से अगर हम करते हैं अपने स्किन के ऊपर तो हमारे स्किन पे रेड रेड रैसेस हो जाते हैं या फिर दाने वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अब अगर आप स्क्रब करते हो तो स्क्रब आपको नोज़ के आसपास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। और स्क्रब आपको वीक में 1 से 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पर जो गंदगी पोज में होती है वो बाहर निकल जाती है और हमारी स्किन हमेशा ही ब्राइट रहती है। देखिए, यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने उसको साफ कर लिया है स्क्रब को। अब आती है थर्ड स्टेप की बारी। तो थर्ड स्टेप में है मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम से हमें अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। तो चलिए अब थर्ड स्टेप को फेस पर अप्लाई करते हैं। मसाज क्रीम से हमें 2 से 3 मिनट तक अपने फेस की करनी है मसाज।
ध्यान रहे, जब भी अगर आप फेस की मसाज करते हो तो मसाज ऊपर की तरफ आपको करनी है, फेस में आपको चिक पे नीचे की तरफ मसाज नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी बिल्कुल वैसे ही मसाज कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के बाद अब हम चलेंगे 4 स्टेप की ओर। तो 4 स्टेप में आता है जेल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट जेल है और फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए येल्लो येल्लो एकदम ट्रांसपेरेंट जेल है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये फेस पे बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। आप जैसे फेस पे लगाते हो तो लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया है फेस पे, भी हमें वैसे ही लगाना है और वैसे ही हमें 1 से 2 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। मसाज आपको हमेशा ऊपर की तरफ ही करनी है। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसकी मसाज करनी है। उसके बाद आप चाहो तो जेल को रहने दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है, हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर आप चाहो तो इसको साफ करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कर सकते हो। कि यहाँ पर मैंने फेस को साफ कर लिया है, अब आती है लास्ट और आखिरी स्टेप की बारी। तो यहाँ पर हमें स्टेप नंबर 5 अप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 5 में हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर है पैक। तो पैक को मैं अपने फेस पे पूरी तरह से लगा दूंगी और उसके बाद इसको 10 मिनट तक छोड़ दूंगी। ये पैक हमारा लग गया है, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 10 मिनट हो जाती है। तो 10 मिनट के बाद फिर हमें क्या करना है, 10 मिनट के बाद फिर हमें फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फेस पैक को मैं यहाँ पर निकाल लूँगी और फेस को साफ कर लूँगी, उसके बाद फिर फेस को वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर हमारा पैक निकल गया है और फेस को मैंने क्लीन भी कर लिया है साफ पानी से। देखिए फेस को मैंने साफ पानी से साफ कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पहले 6 स्टेप बताए थे, लेकिन मैंने तो 5 ही कंप्लीट किए हैं। तो लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है सीरम। तो आप चाहो तो आप अपने फेस को फेशियल करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सूट करता है वो लगा सकते हो। अदरवाइज़ आपको कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन आपको फेस को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मुझे ये बॉक्स के साथ में रिसीव हुआ था, 6 स्टेप में मुझे रिसीव हुआ था सीरम। तो यहाँ पर मैंने उसी सीरम को कट कर लिया है और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। तो फेशियल करने के बाद वाला मुझे अपना फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा मुझे ग्लो भी लगा। तो ये बहुत ही बेस्ट फेशियल मैं मानती हूँ अपनी स्किन के लिए। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।